दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलेगा मात्र 50,000 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, साथ में मिलेगी 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सैलरी और एक पैकर की जॉब। कैसे आपको ये जॉब मिल सकती है दोस्तों, कैसे आपको जो है 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सैलरी मिल सकती है और किसको आपको ये पैसे देने हैं, सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमारे सब्सक्राइबर के पास एक ऐसा ऑफर आया जिसमें लिखा हुआ था कि उनको जो है 50,000 रुपयों में ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, एक अच्छी नौकरी दी जाएगी दोस्तों, और उसमें यह भी बताया गया था कि ओवरटाइम वगैरह मिलेगा, शायद फूड भी प्रोवाइडेड था दोस्तों। इसमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे, इतना अच्छा ऑफर था दोस्तों, और हमारे सब्सक्राइबर ने सोचा कि क्यों ना इस ऑफर को टेस्ट किया जाए। तो जब उन्होंने एजेंसी से पूछा कि भैया इसके बारे में और बताइए, तो एजेंसी वालों ने बोला कि कुछ पैसे एडवांस दीजिए, एडवांस देने के बाद जो है आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा और ऑफर लेटर के बाद जो है आगे के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा जब आप पूरे पैसे भर देते हैं। तो ठीक है, तो इन्होंने कुछ पैसे दिए अपनी साइड से, पैसे देने के बाद इनके पास ऑफर लेटर आ गया 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये जेन्युइन सी चीज लगी कि हां भैया हो सकता है कि ऑफर लेटर इतनी जल्दी बनकर के आ सकता है। ऑफर लेटर जिस कंपनी के नाम से बनकर के आया था दोस्तों, सारी चीजें जो है इनके हिसाब से थी, इनका पासपोर्ट मेंशन था उसमें, इनका नाम मेंशन था उसमें, तो इनको अभी भी लगा कि ये जेन्युइन चीज है, तो इन्होंने जो है इन पर भरोसा कर लिया दोस्तों। भरोसा करने के बाद इन्होंने पूरे के पूरे पैसे जो है आगे दे दिए, पूरे 50,000 रुपए जो है जमा कर दिए और उसके बाद इंतजार किया कि आगे से एजेंसी का कोई रिस्पांस आएगा। तो ऐसा कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ऑफर लेटर उनको मिला था वो ऑफर लेटर भी फेक था। उनकी ये गलती थी, उनकी लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए दोस्तों, कि उन्होंने जो है उस ऑफर लेटर को जांच नहीं करवाया या फिर खुद से भी चेक नहीं किया दोस्तों। आपको जब भी कोई ऐसा ऑफर लेटर वगैरह मिलता है, आप पहले सबसे पहले उसको चेक कीजिए दोस्तों। आप कंपनी के बारे में सर्च कीजिए कि ऐसी कोई ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है भी या नहीं, जॉब प्रोवाइड कर भी रही है या नहीं। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, उसके बाद ही आपको जो है पेमेंट के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने पेमेंट वगैरह कर दी लेकिन ऑफर लेटर चेक नहीं किया दोस्तों, और बाद में पता चला कि वो एजेंसी फ्रॉड थी और बाद में उनके ना फोन पिक किए जा रहे हैं ना ही कोई रिप्लाई आ रहा है दोस्तों, उनके 50,000 रुपए डूब चुके हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई ऑफर आता है कि 50,000 में कैनेडा, 50,000 में ऑस्ट्रेलिया, 10,000 में ये, 5 दिन में वहां, इन ऑफर्स के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे ऑफर्स फेक हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना भी चाहते हैं तो आपको जो है खुद के लिए एक बढ़िया और ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड एजेंसी ढूंढनी चाहिए दोस्तों, जो कि आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाकर ढूंढ सकते हैं दोस्तों। उन एजेंट्स को कहते हैं मारा एजेंट्स दोस्तों। मारा एजेंट्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं, वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने शहर, अपने देश, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है, लोकेशन के हिसाब से जो है दोस्तों, एक बढ़िया एजेंट ढूंढ सकते हैं। आप अगर सपोज वहां दिल्ली टाइप करेंगे तो दिल्ली में जो भी मारा एजेंट होंगे दोस्तों, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। हो सकता है दोस्तों कि उनकी फीस जो है थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन वो काम आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से करके देंगे। अगर आप उन मारा एजेंट्स को ढूंढना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं अभी आपको ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आपको एजेंट्स ढूंढने हैं और कैसे आपको उन्हें कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी भी एजेंट को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, किसी भी एजेंट पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना है दोस्तों, अंटिल और अनलेस आपके नोन का वो एजेंट हो या फिर उस एजेंट से आपके किसी नोन ने जो है मतलब सर्विसेज ले रखी हैं दोस्तों। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी नए एजेंट पे भरोसा मत कीजिए, ठीक है। अभी ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको ढूंढने का तरीका बताता हूं, उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप खुद से ऑस्ट्रेलिया में एजेंट ढूंढना चाहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एजेंट ढूंढना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। आपको जो है टाइप करना है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन एडवाइज़र, उसके बाद जो यहाँ पर लिंक आई है दोस्तों इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप की, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो ओपन हो जाएगी थोड़ी देर में। जैसे ये ओपन हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन हेल्प यू विथ योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन के साथ कौन आपकी मदद कर सकता है। यूजिंग अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का एक ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो है फाइंड अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, और इमिग्रेशन से रिलेटेड और भी कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जिन पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम एजेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों और एजेंसी ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम दूसरे नंबर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि है फाइंड अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें जो है नीचे की तरफ ला दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद हम देख सकते हैं
हमें जो है कुछ कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगा. इफ़ यू वांट प्रोफेशनल हेल्प यू कैन यूज़ अ माइग्रेशन एजेंट रजिस्टर्ड विद द ऑफिस ऑफ माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसको ओमारा कहते हैं. दोस्तों यहाँ पर जो है रजिस्टर ऑफ माइग्रेशन एजेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, एक ऐसा रजिस्टर जहाँ से जो है आप देश भर दुनिया भर में जो है ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन एजेंट्स ढूंढ सकते हैं जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाने में मदद करेंगे. ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आप अलग अलग कंट्रीज़ में भी सर्च कर सकते हैं. दोस्तों आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तान में भी एजेंट सर्च कर सकते हैं. आप देख सकते हैं आपके सामने भी जो है ये रजिस्टर ओपन हो चुका है. दोस्तों यहाँ पर जो है जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको जो है एजेंट का नाम देखने के लिए मिलेगा. दोस्तों फर्स्ट नेम, बिजनेस नेम, यानी कि किस नाम से एजेंसी है उनकी, कौन सी कंट्री में वो सिचुएटेड है, वो सब देख सकते हैं दोस्तों. और कौन कौन से स्टेट में जो है उनके ऑफिस हैं, सारी की सारी जानकारी आपको मिल सकती है यहाँ पर. अगर आपके पास कोई एजेंट ऑलरेडी है तो आप उनका नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड है कि नहीं है. और अगर नहीं है तो आप अपनी लोकेलिटी में एजेंट सर्च कर सकते हैं. दोस्तों सपोज अभी आप पंजाब में एजेंट सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं जो है टाइप कर लूँगा. यहाँ पर आप जो है एजेंसी का नाम भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों, स्टेट भी डाल सकते हैं, कंट्री भी डाल सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पर वो टाइप कर सकते हैं. अभी मैंने पंजाब टाइप किया है. पंजाब टाइप करने के बाद आप देख सकते हो कितने सारे जो है एजेंट्स मेरे सामने आ चुके हैं दोस्तों. यहाँ पर अमनदीप वालिया और यहाँ अमरप्रीत भांगू, उसके बाद आप देख सकते हैं हर्षदीप सिंह और हरपुनीत कौर, और ये सारे के सारे नाम आप देख सकते हैं. सारे के ऑलमोस्ट पंजाबी नेम्स हैं दोस्तों. आप जो है इन एजेंसीज़ को बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट नेम आप देख लीजिए, बिजनेस नेम आप देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, मतलब कंट्री में लिखा हुआ है इंडिया, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से सिटी में वो लोग जो है अभी सिचुएटेड है. ठीक है, अगर आप किसी एजेंसी के बारे में या किसी एजेंट के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों. आपको जो है सारी जानकारी बाहर से पढ़ लेनी है, देख लेना है कि कौन सी मतलब एजेंसी जो है आपके नियर बाई है. और यहाँ पर जो है आप लास्ट नाम या फिर फैमिली नेम पे जो है क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी डिटेल्स जो है इस एजेंसी की आपके सामने आ जाएगी. जैसे अभी मैंने वालिया पर क्लिक किया तो यार अमनदीप वालिया की पूरी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी है दोस्तों, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट डिटेल्स. ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. उसके बाद करंट स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि रजिस्टर्ड है, डीएक्टिवेटेड है, डिसकनेक्टेड है, उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, जो भी वहाँ पर होगा वो लिख करके आपको आ जाएगा दोस्तों. और उसके बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कब हुआ है इनका, रिसेंट रजिस्ट्रेशन जो है इनका 3 अप्रैल 2023 को हुआ है. तो इनसे मतलब आप बातचीत कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड. ठीक है, उसके बाद नीचे ही आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो है इनकी कंसल्टेंसी का नाम देखने को मिलेगा जो कि है सोफिया कंसल्टेंट्स. साथ ही आपको जो है दोस्तों यहाँ पर एड्रेस भी देखने के लिए मिलेगा और इनका जो है नंबर भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ईमेल आईडी भी देखने के लिए मिलेगी, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर जो है वेबसाइट इनकी दी नहीं गई है, तो अगर वेबसाइट होती है दोस्तों तो आप जो है इनके डायरेक्ट एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर भी इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते थे. लेकिन बाकी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है तो आप ईजिली इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों. नंबर है ही, ईमेल आईडी है ही, आप अपना सीवी कवर लेटर सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी पे या फिर नंबर पे कॉल करके इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं. दूसरी अगर एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर एजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ अभी मैंने एकता सैनी करके एक एजेंट के बारे में डिटेल्स देख रहे हैं दोस्तों. अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका फोन नंबर दिया गया है, साथ ही नीचे जो है इनकी ईमेल आईडी दी गई है दोस्तों, जिस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इन्हें. अगर आप ध्यान से इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखेंगे दोस्तों तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, लेकिन आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. देखा दोस्तों किस तरीके से आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस्ड एजेंट ढूंढने हैं. आप किसी भी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों. ऐसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में वो आपको हर दो दुकान के बाद जो है एक बढ़िया बोर्ड लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा कि मात्र 5 दिन में कनाडा, 50,000 में ऑस्ट्रेलिया. ऐसे एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको लाइसेंस्ड एजेंट्स को ढूंढना है दोस्तों, ताकि आप अगर काम करवा भी रहे हैं तो सही काम करवाएं. थोड़े से पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन आप एक्चुअली पहुँच तो जाएंगे, आपके सारे के सारे पैसे डूब तो नहीं रहे हैं. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. अगर आप इन एजेंट्स कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी टाइप की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जरूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर की. अगर आपके पास वो सीवी कवर लेटर है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे. प्लीज हमें कॉल मत कीजिएगा, हम किसी भी टाइप से आपको जॉब और वीजा नहीं दे सकते हैं. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया. वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.